अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल के दौर में कहीं से आपको अच्छे खाने के लिए ना कोई तरकीब मिल जाए ना तो दोस्तों फौरी वाच किया करो। सोशल मीडिया दौर है यूट्यूब कुकिंग विद नाज़रीन। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी उन्होंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया कुकिंग विद नाज़रीन, और वहाँ से आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलेंगी खाने के लिए। घर बनाओ खाना, कूला कूला पोला पोला, बच्चे बह खाओ, तीवियाँ राजी करो, मेरे और शहजादे हो, वाच करो चैनल। आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़रीन सबसे पहले नहीं किया, या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़रीन के साथ जुड़ जाए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हर वक्त जोर से वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो ये चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी वो है चीज़ ऑमलेट, और चीज़ ऑमलेट की रेसिपी हम अक्सर शेयर कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट की रूटीन हमारी आज के, हम ब्रेकफास्ट के टाइम जो सा है ये ऑमलेट बना रहे हैं। चीज़ वैसे भी बनता है, मतलब फ्राई एग भी आप बना सकते हैं, स्क्रम्ब्ड एग भी बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो डेली एग का जो सा वो ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल होगा। लेकिन उस पर वैरायटी किस तरह लेकर आ सकते हैं, किस तरह को डिफरेंट कर सकते हैं, चलते हैं मम्मा की तरफ, मम्मा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। मैंने छोटा सा प्याज, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, ये थोड़ी सी सुरख मिर्च, ठीक है, ये आपकी मर्जी के मुताबिक नमक भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें काली मिर्च पड़ेगी, ये मैंने काली मिर्च डाल दी। बस यही चीज़ें डालेंगे। हाँ जी, ये चीज़ें डालेंगे, अब फेंकते हैं इसे, फिर मैं पकाया काम आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब तो चीज़ वगैरह जो हमने डालना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस स्टेज पे डालना है, कुछ इसे मिक्स कर लेते हैं फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। क्योंकि इसकी टिक्की बनानी ना हमें, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कलर कितना प्यारा है, ग्रीन, वाइट, येलो और रेड। ये हम लोगों ने चीज़ स्लाइस भी रख दिया है, और जो सा दूसरा चीज़ है मतलब मोज़रेला और चेटर चीज़, वो भी हम क्रश करके इसके ऊपर मतलब डालेंगे। तो ये स्लाइस भी रख दी है हम लोगों ने, और बाकी भी चीज़ जो से तो रख दी। चीज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा आपको, क्योंकि चीज़ ऑमलेट और चीज़ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, यम्मी, बहुत टेस्टी बनने वाला है ये। मुझे तो खुद बहुत चीज़ बहुत पसंद है, मतलब जब मेरे तो ये होता है कि जब पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करें तो उस पर भी एक्स्ट्रा टॉपिंग करवाएं, क्योंकि चीज़ के बिना तो मतलब कुछ चीज़ें जो होती है वो अच्छी लगती है, जैसे पिज़्ज़ा। और अगर आप मतलब ये ऑमलेट की बात करें आप बना रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ होना चाहिए, लॉट ऑफ चीज़ होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को चीज़ पसंद नहीं होता तो वो मतलब अवॉइड कर देंगे, चैटर नहीं पसंद या मोज़रेला नहीं पसंद, या हमने इसमें दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें शामिल की है, मतलब हम लोगों ने और स्लाइस भी रखा है, चैटर और मोज़रेला चीज़ भी यूज़ की है। ये लेकिन हम लोगों ने साइड चेंज कर दी, जो मतलब जिसके ऊपर चीज़ हम लोगों ने डाला था वो हमने साइड नीचे कर दी है, और जो दूसरी है वो ऊपर कर ली है। तो कलर देखें आप ये कैसा कर रहा है आ गया है, बाकी तो दूसरी तरफ को भी हम लोग मतलब अच्छा सा कलर देखें फिर इसको डिश आउट करते हैं जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सा नाश्ते का दस्तरखान है वो सज गया, और यहाँ पर ये जो हमने चीज़ ऑमलेट की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, ये चीज़ ऑमलेट है, यहाँ पर ब्रेड है और रस है, चाय है और मक्खन है। तो अब यहाँ पर जो सा मम्मा वो मक्खन लगा रहे हैं, और ये चीज़ें ये देखें जी, घर का मक्खन है, वो मलाई में रख लेती हूँ ना उतार के दूध की, फिर मैं मक्खन घर में ही बना लेती हूँ।
घर का मक्खन है ये रस मक्खन बहुत ही मज़े के लगते हैं और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ये ऑमलेट एग से, मतलब चीज़ ऑमलेट जो एग हमने बनाया है चीज़ भी जो मेल्ट हो गया है लेकिन सारा मिक्स हो गया है मेल्ट होके, तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं सर्दियों में नाश्ते को गर्मा गर्म चाय के साथ आप लोग बना कर खाएं। पराठों का भी दिल करता है तो पराठों की रेसिपी भी फर्दर हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे और ये सारी रेसिपीज़ भी अगर मज़ीद आप लोग कोई सीखना चाहते हैं चीज़ कोई डिश की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई ब्रेकफास्ट के हवाले से तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें आप अपने सजेशन दे सकते हैं। ये लो जी मक्खन लग गया है और ये स्लाइस भी है और एग भी है, तो अब मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकती और दिल कर रहा है जल्दी से गर्मा गर्म जो सा एग है इसको मतलब खा लूँ। मम्मा नुटेला तो आप लेकर नहीं आए ना, मैं लेके आई हूँ। जाओ बेटा ले आओ फ्रिज में से। ओहो मैं एक मिनट लेकर आती हूँ। चले जी नुटेला भी रख दिया हम लोगों ने तो ये मैं भूल गई थी। अच्छा मैं चख के बताती हूँ आपको। हाँ जी जी बिल्कुल बताएं आप जी चख के बताएं। बहुत मजे का माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबके दसों खाने को कायम रखे। आप भी देखे ना कैसा फ्लेवर आ रहा है इसका। मुझे अपने हाथ से खिलाएं आप अपने बच्चे को। आप खाओ ना पता चले ना कैसा मसल जैका फ्लेवर सब बताओ किस किस चीज का आ रहा है। मैंने सुरख मिर्ची नहीं डाली, थोड़ी सी दादरी सी डाली थी। वो मिर्च बहुत मतलब सही आई, बहुत तीखी नहीं हुई। हरी मिर्च का फ्लेवर भी आ रहा है और चीज़ का भी आ रहा है, मतलब ये आम आमलेट से ज़्यादा है आमलेट है यानी कि आप ना स्पाइसी सा है बहुत अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा है। मतलब मुझे फीके फीके चीज़ें अच्छी नहीं लगती, स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ये वो आमलेट खा के ना दिल भी भर जाता ना ये आमलेट बनाए ना आप। हाँ तो वही ना कि मतलब रेसिपी सीरी हमने शेयर की है कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ मतलब आप बना सकते हैं। हमने ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह, इसलिए नहीं कि मामा ने बनाया, सच में बहुत अच्छा बना। तो अब इजाज़त ले लें अपने बहन भाइयों से। हाँ जी ठीक है व्यूवर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। तो अब मैं भी ज़रा ये नाश्ता कर लूँ, इतनी माशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं और चाय भी ठंडी, और ठंडी चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।